मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नवी नवेली दुल्हन अंजुम खान की मौत कैसे हुई, हत्या हुई या फिर अंजुम खान ने अपनी जान खुद दे दी है। इस पूरे मामले में दोनों तरफ के लोगों का बयान हमने लिया है जो आपको सुनाएंगे। महज 17 से 18 दिन पहले ही अंजुम का विवाह फैसल खान के साथ में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में हुआ था और शादी के बाद दोनों यूपी से मुंब्रा के जुबली पार्क में बिल्डिंग नंबर 5 आशियाना के चौथे मंजिल पर रहने लगे। मगर 2 सितंबर को घर में अंजुम की लाश मिलने से इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई। अंजुम के पति फैसल ने बताया कि जब वो इमारत के नीचे से अपने चौथे मंजिले पर स्थित घर में गए तो देखा कि घर में अंदर लाइट सब बंद थी। जब उन्होंने लाइट चालू किया तो देखा कि अंजुम पंखे के सहारे बेसुध हालत में अंजुम मिली और उनसे तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अंजुम के पिता बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद यूपी से मुंब्रा आ गए। अंजुम के पिता असीरुल कमाल ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, ऐसा आशंका जाहिर करते हुए उन्होंने फैसल खान पर ये इल्ज़ाम लगाया है। बताया कि 13 तारीख को ही अंजुम का विवाह हुआ था। आखिर अंजुम के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई है। अंजुम के पिता ने फैसल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अंजुम की मौत होने के बाद फैसल ने उन्हें फ़ोन करके झूठ बोला कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, बीमार थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। जबकि उनके पिता ने बताया कि अंजुम के गले पर निशान है। पहले आपको सुनाते हैं कि अंजुम के पिता अशीरुल कमाल ने इस पूरे मामले को लेकर फैसल खान पर क्या आरोप लगाया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असीरुल कमर। आपकी जिसकी मौत हुई है आपकी बेटी, उसका क्या नाम था? अंजुम। अच्छा, तो क्या पूरा मामला ये था, कैसे मौत हुई? आप लोग पुलिस स्टेशन आए थे अभी, आज 2 तारीख की ये घटना है, क्या पूरा मामला हुआ था? सर मुझे तो पहली बात है, ये लोग पहले ये बोले कि तुम्हारे लड़की का तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया हूँ और उधर उसका मौत हो गया है। जिस दिन की ये बात है सुबह 10 बजे मैं फ़ोन किया इन लोग के पास, मैं और मेरी औरत फ़ोन करी तो ये लोग बोले कि उसका, ये मेरी औरत मेरी बेटी बोली कि मेरा थोड़ा मेरा दिल घबरा रहा है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और मैं अभी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो बोली क्या बात है, ऐसा क्या बात है? मैं मेरी बेटी बोली मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने, अभी नाश्ता नहीं की हूँ, अभी कपड़ा धोना है। वो यही बोल के फ़ोन रख दी। उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग बोले तबीयत ख़राब है, लेके गए हॉस्पिटल। पहले बात हॉस्पिटल लेके गए, बोले वहाँ उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद में ये लोग के पास हम लोग फ़ोन करने लगे तो बोले अभी एम्बुलेंस में ला रहे हैं, अभी एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, यही सब उल्टा सीधा बहाना कर रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग जब ये लोग बोले कि डेड बॉडी नहीं दे रहा, तो बोले ये क्या हो गया, डेड बॉडी नहीं मिल रही है? तो बोले ये प्रूफ मांग रहा है आपका। तो मैं बोला ऐसा कैसा क्या हो गया कि ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं? तो हम लोग वहाँ से फ्लाइट करके कल आए, 7 बजे की फ़्लाइट थी और आए यहाँ 9 के करीब। 1.5 घंटा उधर लग गया हम लोग को, आते आते यहाँ लेट हो गया, यहाँ कोई चौकी में था नहीं। तो फिर आज सुबह में आए। उसके बाद में हम लोग बोले जब बॉडी बीमार की वजह से लड़की मरी तो इसके गले में कैसा निशान आ गया, पहली बात ये है। तो ये लोग बोले हम लोग घबराहट की वजह से ऐसा बोल दिए। तो मैं बोला तो तुम लोग ये क्यों बोले कि बॉडी को अभी ला रहे हैं, नासिक पहुंच गए, कसारा से पहुंच गए, तो ऐसा क्यों बोले? तो बोले ये हम लोग ये घबरा के सब बता रहे थे और उसमें कोई बात नहीं है। तो आपकी बेटी ने जो है जान दे दी, खुद जान दे दी या उसके साथ क्या हुआ था, आपको क्या लगता है? उसके मैं तो यही जानता हूँ कि उसके साथ में ये लोग कुछ ना कुछ ज्यादती किए हैं, जब भी वो ऐसा कदम उठाई होगी। अगर रिपोर्ट ये कह रहा है कि ये आत्महत्या है तो नहीं तो ये लोग, मेरे को तो पूरा भरोसा है कि ये लोग मार दिया है। अच्छा, लड़के पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बोला कि ये आत्महत्या है। अच्छा, लड़के का एक आरोप है क्या, लड़की बोल रही थी क्या जबरदस्ती शादी कराए? अगर मैं ज़बरदस्ती शादी कराता तो मेरी लड़की किसी से तो बात कहती, मेरे से मान लो ज़बरदस्ती अगर मैं करा दिया उसका
तो ये मुझसे छोड़ कर किसी दूसरे को बताती कि ये मेरे से ज़बरदस्ती मेरे बाप ने शादी करी है। यानी जिस दिन ये पूरा मामला हुआ उस दिन सुबह में कॉल करके 10 बजे बताया था कि मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ, ये बोली कि मेरा दिल घबराहट हो रहा है मेरे अंदर और मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, गांव आना चाहती हूँ। और उसी दिन रात में ये हुआ, उसी दिन रात में ये लोग 9:30 बजे किसी के कॉल के जरिए, एक तुफेल भाई हमारे चाचा के लड़के हैं जिसने शादी कराया है, उनको ये लोग फ़ोन किए कि चिंकू की लड़की अंजुम वो मर गई है, उसको जाके संदेशा पहुंचा दो। तो ऐसा के बाद में रात को 9:30 बजे मैं घर पे था, वो लोग मेरे चाचा के लड़के तुफेल भाई मेरे को वाकई बोले कि तुम्हारी लड़की का क्या हो गया, अंदर से कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी। मैं बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक ज़िंदगी में कैप्सूल भी नहीं खाई थी, बुखार सर्दी एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई बीमारी थी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोले उसका मौत हो गया, तो मैं बोला मौत हो गया तो कोई बात नहीं। ये लोग बोले बाड़ी क्या कह बोलूँ, तो मैं बोला बाड़ी बॉडी कलवा हॉस्पिटल में है तो क्यों नहीं लिया जा रहा है उसका? सर मैं उसको वापस उसको जांच करवाना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट गलत है, दोबारा पोस्टमार्टम मैं दोबारा करवाना चाहता हूँ। पुलिस को बताया आपने? पुलिस बोलती है कि ये डॉक्टर चाहेगा, अगर डॉक्टर बोलेगा कि हाँ ये दोबारा पोस्टमार्टम में जाए तो हो सकता है, हमारे तरफ से कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन लड़का जो है उसका ऐसा कहना है कि हम लोगों ने उसे नहीं मारा है, उसने खुद अपनी जान ली। अब ये मैं वो तो था नहीं, लेकिन मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है कि ये नहीं मारे हैं, मुझे पूरा भरोसा यही है कि बताया जा रहा है कि लड़के की शायद ये दूसरी शादी थी और शायद ये 17 दिन पहले ही हुई। हाँ, ये दूसरी शादी है। 17 दिन हुआ था शादी? हाँ, 13 तारीख को शादी हुआ, 13 तारीख को शादी हुआ, 14 तारीख को ये लोग वहाँ से आए, 16 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। अब इतने दिन में इन लोग को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसका हत्या करना पड़ा, या उसको ये लोग परेशान किए इतने दिन में, कितना परेशान कर दिया कि वो आत्महत्या कर ली। गाँव कौन सा? गाँव मेरा है झुल्लीपुर, जिला सिद्धार्थ नगर यूपी। पुलिस से क्या कहना है? पुलिस से यही कहना है कि इसका सही ढंग से जांच किया जाए, इसको कुछ शिकायत वगैरह ऐसा पुलिस ने दर्ज किया है? कोई शिकायत नहीं, पुलिस का कहना है हम शिकायत नहीं कर सकते, इसके से खिलाफ कोई चीज़ लाओ तो हम गांव रहते हैं, हमको यहां का क्या मालूम है। अंजुम के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने फ़ोन करके उन्हें बताया था कि वो घर आना चाहती है, उसका दिल बहुत घबरा रहा है, और उसी शाम में जो है उनकी बेटी की मौत की खबर सामने आई। वहीं फैसल खान ने बताया कि अंजुम की हत्या उन्होंने नहीं की है बल्कि उसने खुद अपनी जान दे दी है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि फैसल की ये दूसरी शादी थी अंजुम के साथ। और वहीं अंजुम ने फैसल से ये भी बताया था कि उनके पिता जो हैं वो फैसल से अंजुम की शादी ज़बरदस्ती करा दिए थे, ऐसा फैसल ने जानकारी दी, जबकि अंजुम के पिता का साफ कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी फैसल से ज़बरदस्ती नहीं कराई थी। वहीं अंजुम के हत्या की आशंका जाहिर करते हुए फैसल पर इल्ज़ाम लगाया है, और इस इल्ज़ाम पर फैसल ने क्या कुछ सफाई दी है आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? फैसल अहमद तुफेल अहमद खान। जुबली पार्क में आप रहते हैं, आपकी बीवी की जो है मौत की घटना सामने आई है, क्या पूरा मामला था, ये कैसे हुआ? देखिए, देर रात में कुछ 8:15 बजे 8:30 के करीब मैं पानी डाल रहा था बिल्डिंग नंबर 4 में, रूम नंबर 02 नीचे ग्राउंड में पानी डाल के हुआ। तो उसके बाद क्या, ईशा की अजान से पहले मैं थोड़ा जाता हूँ कभी कभार घर पर, वही वक्त अजान से पहले ईशा के घर पे जाने के बाद मतलब थोड़ा जाता हूँ, ऐसा नई शादी हुई है तो थोड़ा जाना पड़ता है, तो भाई नई बीवी है तो जाऊँ जाके ज़रा देखूँ कुछ हाल चाल लूँ, तो मैं गया। तो जाने के बाद में ये देखता हूँ कि कड़ी खुली हुई है अंदर से, अंदर जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि भाई लाइटें तो सब बंद है, खाली बाथरूम का लाइट चालू था, और बाथरूम के सामने जो बेडरूम था जहाँ पर उन्होंने मेरी वाइफ ने जहाँ पर फांसी लिया था वो मतलब वहाँ की लाइट बंद थी, बाथरूम की चालू थी। तो मैं ये देख के ना थोड़ा शॉक हो गया, और कुछ देर के लिए मतलब मैं वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद में मतलब थोड़ा सा अपसेट हो गया। नाम क्या था आपकी वाइफ का? वाइफ का नाम था हमारे अंजुम फैसल खान जी। फिर क्या हुआ? तो घटनास्थल पे मतलब कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थे। मम्मी रोज़ के जैसा मगरिब के अजान के बाद में रोज़ मार्केट जाते हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए,
तो शायद उनको कुछ बोल के गए थे, वो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी काम रहेगा आप घर का करके रखो, मैं आती हूँ रोज़ के जैसा। तो मैं जैसी क्या शौक हो गया, थोड़ी देर बाद मतलब मैं उठा, अम्मी भी आ गए कुछ टाइम बाद, मतलब सामान वगैरह लेके लाने के बाद में कैसा क्या हुआ, अम्मी भी आए तो वो भी देख के मतलब थोड़ा सा शौकेद हो गए, तो मुझे देखे उनको भी मतलब थोड़ा बैठ गए वो, बाद में मुझे उन्होंने पानी डाल के छिड़क के उठाया। तो मैं उठा एक करीब कुछ 8 या 9 मिनट के बाद में, फिर मैं और अम्मी हम लोग दोनों, अम्मी ने मतलब हाथ लगाया और मैंने भी ऊपर से मतलब ऐसा मैंने कैंची से कट किया जहाँ से उन्होंने फांसी लिया था। अच्छा, फांसी किस चीज़ से लिए गए थी? ये दुपट्टा था उनका जो उन्होंने कपड़ा पहना था, वो दुपट्टे से उन्होंने, वो जमा है पुलिस वालों के पास, कैंची भी है जिससे मैंने काट के उनको नीचे लाया और बेडरूम में उनको लिटाया, पंखा चालू किया मैंने, पानी वगैरह भी पिलाया और कुछ सीने पे मतलब ऐसा कुछ किया मैंने, प्रेस किया, कोशिश किया मैंने, तो उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया तो भाई फटाफट मतलब आए, 10 से 15 मिनट में वो ऊपर आए दुकान पे, दुकान बंद करके क्लोज करके कैसा भी बेचारे भागम भागी में कैसा भी करके आए ऊपर आए। ऊपर आने के बाद में इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जिनका नाम था जैद, जैद को कॉल करके उन्होंने फटाफट बुलाया कि भाई कोई भी रिक्शा है या कोई भी चीज़ आपको मिलती है अवेलेबल, आप बिल्डिंग नंबर 5 में आ जाए। कौन सी बिल्डिंग है आपकी? बिल्डिंग नंबर 5 आशियाना अपार्टमेंट जी, वहाँ पे भाई ने उनको इन्फॉर्म किया कि आप कैसा भी करके कोई भी गाड़ी मिल रही है आप फटाफट लेके आइए, भाभी की तबीयत सीरियस है। वो कैसा भी करके उन्होंने रिक्शा लेके आए, उस रिक्शे में हम लोग उनको लेके गए मेडफूड हॉस्पिटल पर। मेडफूड पर लेके जाने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने उनको चेक किया, ECG वगैरह चेक किए, कम से कम 3 या 4 डॉक्टर ने उनको चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि वो डेथ हो गई वहीं जगह पे, मतलब अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ साहब, मतलब हम लोग फिर उनको थोड़े देर बाद मतलब डॉक्टर आते गए, कुछ डॉक्टर बाद में आए, टाइम लगा, फिर वो सारे डॉक्टरों ने मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये मतलब डेथ हो गए। फिर हम लोग उनको वहाँ से उठा के घर के तरफ लेके गए, बिल्डिंग नंबर 5 वापस लेके गए उनको गाड़ी से। वहाँ लेके जाने के बाद में कुछ देर बाद मैंने 100 पे कॉल किया पुलिस को और 102 पे भी मैंने कॉल किया, मेरा मोबाइल पुलिस वालों के पास जमा है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने खुद कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया, वो वहाँ नहीं पहुँचे तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, नीचे से चौकी आया, चौकी की तरफ आया तो मालूम साहब ने बताया मुझे, चौहान साहब ने, कि वो लोग लेके निकल चुके, मतलब आपके घर पे पुलिस पहुंच गई है। फिर मैं वहाँ गया तो पुलिस वेरीफाई चालू था, घर पे गया देखा तो सब पुलिस वेरीफिकेशन चालू। लड़की के पिता वगैरह जो है वो गांव से आए, उनका ऐसा आरोप है कि 17 दिन पहले ही आपकी शादी हुई थी गांव में, और उनका ऐसा आरोप है कि लड़की जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकती, आपने उनकी हत्या की है। नहीं, हत्या तो हमने नहीं की है, कुछ वजह थी उनकी, जैसा कैसा अभी 2-3 बार उन्होंने मुझे ये बात कही कि बाप के ज़बरदस्ती से शादी हुई है, मैं नहीं चाह रही थी लेकिन बाप ने मेरी शादी आपसे करा दी, तो मैंने उन्हें यही कहा कि मेरा छोटा मोटा कारोबार है पानी का, कुछ टाइम आप रुक जाएं, क्योंकि क्या होता है पानी का लोग पैसा तुरंत नहीं देते कैश, महीने में 15 दिन में ऐसा देते हैं पैसा, तो मैंने कहा उनको कि कुछ टाइम आप रुक जाएं, मैं गाँव लेके आपको 10 से 12 दिन में लेके चलता हूँ, आप वहीं रुक जाएं, जो भी बात है हम वहाँ जाके करेंगे। और उनकी मम्मी को पता था ये बात, मतलब वो अपनी माँ से कांटेक्ट में थी। ये भी बताइए आपकी शायद ये तीसरी शादी थी? नहीं नहीं, मेरी ये तीसरी शादी नहीं थी, सेकंड शादी, दूसरी। पहली औरत का क्या हुआ? पहली औरत जो है मतलब उनका किसी के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने कुछ हो गया। तो इल्ज़ाम जो लग रहा है आपके ऊपर कहाँ तक सही है, कहाँ तक? इल्ज़ाम जो लग रहा है ये सर अभी समझिए बेबुनियाद और बेगुनाह। आप दोनों के बीच में कभी विवाद हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ विवाद नहीं, कुछ विवाद वगैरह नहीं था, बस यही दो। बोल रहे 8 बजे आप घर से बाहर निकले कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, उसके बाद वापस आए तो घर में ये स्थिति जी, तो कुछ जाते वक्त आपसे नहीं, पानी डालने के बाद मतलब मैं गया ऊपर कुछ नाश्ते के लिए, मुझे भूख लगी थी जी, तो कुछ आपसे विवाद हुआ था उस वक्त? नहीं, उस वक्त कुछ विवाद वगैरह नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात ही मतलब नहीं थी, और मुझे समझ में नहीं आया कि शादी होने की वजह से वो खुश नहीं थी। आप जो बता रहे हो, मैंने उनको कहा था कि आप रुक जाइए मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने उन्हें ये बात कही। क्या कहा? पुलिस ने यही कहा कि जांच जारी है, चल रहा है, सपोर्ट कर रही है हमारी पुलिस, हमें कानून और न्याय पे भरोसा है।
बस ये हमें इंसाफ चाहिए और क्या है। हम अगर गुनहगार हैं, बिल्डिंग के लोग वो भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उस वक्त शायद आपने बिल्डिंग का लाइट काट दिया था, जिस वक्त ये वारदात हुई बिल्डिंग का लाइट काटे थे क्या? नहीं सर, लाइट वगैरह तो नहीं कटी थी, आप देख सकते हैं आगे जो भी है सामने सामने, क्योंकि कैमरा लगे हुए हर जगह। लोग काफी एतराज कर रहे थे, जो वहाँ के लोग हैं कि आपसे भी ऐसा घटता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉच करिए, जो भी अगर मिलता है तो आप मुझे बताइए। वही एक बात और आपको बता दें कि अभी तक अंजुम की डेड बॉडी वो कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और परिवार का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जबकि ये पूरा मामला मुमरा पुलिस के पास है, पुलिस दोनों तरफ के लोगों से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसकी जाँच पड़ताल चल रही है। पुलिस जाँच में ही सच सामने आएगा कि क्या आखिर अंजुम की हत्या हुई थी या फिर उसने अपनी जान खुद दी थी।